हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए पेंशन में और फैमिली पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने जा रही है। जी हां दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सबके लिए मैं देने वाला हूं, जो कि इसी मंथ की सैलरी से लागू हो सकती है। क्या है पूरा प्रोसेस क्या है जानेंगे डिटेल में, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। ऐसा कि आप सभी को पता है कि आपकी पेंशन और एज वेल एज सैलरी आपकी फिटमेंट फैक्टर से तय होती है। जितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ता जाता है और सैलरी और पेंशन में उसी तरीके से बढ़ोतरी होती है। आप सभी को पता है ये भी कि आपको प्रेजेंट में जो है सातवें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से बेसिक पेंशन जो है 9,000 रुपये और साथ ही साथ बेसिक सैलरी जो है वो 18,000 रुपये प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद में कर्मचारियों को TADA एंड HRA अदर्स अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन पेंशनर्स को सिर्फ इसमें जो DR है या DNS लीफ है वही प्रोवाइड कराई जाती है, अदर अलाउंसेस उसको नहीं मिलते हैं। और जो कि आपको 2.57 गुना का जो फिटमेंट फैक्टर है उसी में बढ़ोतरी के हिसाब से आप सभी को सैलरी और पेंशन आपको मिलती है। लेकिन इसी बीच अब बड़ी जो खबर आ रही है, जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर जो आ रही है वो आपकी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर को है। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, और अगर मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उनकी माने तो सरकार जो है आने वाले दिनों में एक कैबिनेट की बैठक हो सकती है, जिसमें कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ा करके 3.68 गुना तक हो सकता है, जिसमें पेंशनर्स की बेसिक पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ करके 14,000 से 15,000 रुपये, साथ ही साथ कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है 26,000 रुपये तक पहुँच सकती है। तो ऐसे में कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी राहत की खबर हो सकती है। हालांकि जो भी खबरें आ रही हैं वो सिर्फ अभी मीडिया में ही हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस तरह से जारी नहीं किया गया है, लेकिन अगर ऐसा वाकई में होता है तो कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर होगी। क्योंकि अगर बेसिक भी बढ़ता है, यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स का बेसिक ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर बेसिक बढ़ता है तो ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा बाकी जो अदर अलाउंसेस होते हैं जैसे TADA HRA और पेंशनर्स के लिए जो DR का ऑप्शन है उसमें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आगे देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस हिसाब से DA और DR हर 6 मंथ में 4% बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से ये बहुत जल्दी पेंशनर्स की पेंशन में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जानी चाहिए, जिससे आपकी सारी चीज़ें उसमें मैनेज हो सकें। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो, आपकी पेंशन में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो, तो आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट।